फिल्म की शुरुआत होती है जब एक जहाज पर सवार नाविकों का दल एक जलपरी पर भाला फेंकने की कोशिश करता है। वे सोचते हैं कि वो जलपरी है, लेकिन तभी प्रिंस एरिक आकर उन्हें रोकता है, क्योंकि वे वास्तव में एक डॉल्फिन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नाविक जोर देते हैं कि जलपरियां और अन्य समुद्री जीव खतरनाक होते हैं। एरिक की माँ क्वीन सेलेना के आदेश पर बटलर ग्रिम्बी एरिक का ध्यान रख रहा है। एरिक का स्वभाव थोड़ा चंचल है, तभी नाविकों में से एक अपनी दूरबीन समुद्र में गिरा देता है। समुद्र के नीचे मायर लोगों का एक राज्य है जिसे किंग ट्राइटन शासित करते हैं। वो अपनी बेटियों पेरा, इंदिरा, माला, तमिका, करीना और कास्पिया को बुलाते हैं, क्योंकि वे कोरल मून की तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि ट्राइटन की सबसे छोटी बेटी एरियल गायब है। ट्राइटन अपने प्रमुख केकड़े सेबेस्टियन को एरियल को ढूंढने भेजते हैं। एरियल अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्लाउंडर के साथ होती है, जहां उसे वो नाविकों की दूरबीन मिलती है, जिसे वो इंसानों की दुनिया से अपने संग्रह में रख लेती है। दोनों एक डूबे हुए जहाज में तैरते हुए जाते हैं और एक कांटा ढूंढते हैं, लेकिन जल्द ही उन पर एक शार्क हमला कर देती है। एरियल शार्क को उसकी ही परछाई में उलझाकर फ्लाउंडर को बचाती है और फिर दोनों भाग निकलते हैं। एरियल और फ्लाउंडर को स्कटल नाम की एक गोताखोर चिड़िया मिलती है, जो खुद को इंसानों की दुनिया के बारे में जानकार बताती है। वो एरियल को बताती है कि उसके पास मिला कांटा दरअसल इंसानों का बाल संवारने का एक उपकरण है। इस बीच सेबेस्टियन आकर एरियल को बताता है कि वो कोरल मून की बैठक से चूक गई है और इसलिए अब एरियल को अपने पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही वापस जाते हैं, फ्लॉटसम और जेटसम नाम की दो ईले एरियल पर नजर रखती हैं, जिन्हें उनकी मालकिन समुद्री जादूगरनी उर्सुला ने भेजा है। उर्सुला ट्राइटन की बहन है, जो ट्राइटन से नफरत करती है, क्योंकि उसने समुद्र पर अधिकार पा लिया, जबकि उर्सुला को एक गंदे गड्ढे में छोड़ दिया गया। उर्सुला सीक्रेटली एरियल को अपने भाई के खिलाफ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। ट्राइटन जब एरियल को ढूंढते हैं तो वो उसे डांटते हैं और उसे सतह के पास न जाने की याद दिलाते हैं, क्योंकि एरियल की माँ की मौत के लिए उन्होंने मनुष्यों को ही जिम्मेदार ठहराया है। एरियल अपने गुफा में जाती है, जहां वो अपने मानव वस्तुओं का संग्रह रखती है और ऊपर की दुनिया को देखने की इच्छा जताती है। वो सतह के ऊपर आतिशबाजी देखती है, जो एरिक के 21वें जन्मदिन का जश्न होता है। उस समय एक भयंकर तूफान आता है और जहाज चट्टानों से टकराकर जलने लगता है। एरिक पानी में गिर जाता है और एरियल उसे बचाने के लिए तैरती है। वो एरिक को किनारे पर ले जाती है और उसकी जान बचाती है। हालांकि एरिक पूरी तरह से होश में नहीं होता, फिर भी वो एरियल की एक झलक देख पाता है और उसकी आवाज सुन पाता है। उर्सुला अब एरियल को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार है। जब एरियल पानी के नीचे लौटती है तो सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि सतह पर जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना समुद्र के नीचे है। फिर भी एरियल अपनी गुफा में लौटती है और एरिक की एक मूर्ति को देखती है जो पानी में गिर गई थी। एरिक अब अपने राज्य में उस रहस्यमय लड़की एरियल को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसकी जान बचाई थी। क्वीन सेलेना सोचती है कि एरिक अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन एरिक जोर देता है कि उस लड़की ने उसका जीवन बदल दिया है। वो बाहर भागता है और नाव पर चढ़ता है ताकि वो खुद ही उसे खोज सके। एरियल और उसकी बहनें उस डूबे हुए जहाज के अवशेषों को साफ करती हैं, जो उनके इलाके में आया था। सेबेस्टियन ट्राइटन को बता देता है कि एरियल एरिक से प्यार करती है। फिर ट्राइटन सतह पर जाता है और एरियल को उसकी गुफा में पाता है और उसे आज्ञा न मानने के लिए डांटता है। हालांकि एरियल ये कहने की कोशिश करती है कि सभी इंसान बुरे नहीं हो सकते। ट्राइटन अपने त्रिशूल का उपयोग करके एरियल की सभी वस्तुएं नष्ट कर देता है, जिससे एरियल दुखी होकर रोने लगती है। उर्सुला अब फ्लॉटसम और जेटसम को एरियल से संपर्क करने और उसे अपने ठिकाने पर लाने के लिए भेजती है। एरियल एक गंदे गड्ढे में कुछ लोगों के कंकाल पाती है और फिर अपनी बिछड़ी हुई मौसी उर्सुला से मिलती है। उर्सुला एरियल की इंसानों के प्रति चाहत और एरिक में लगाव का फायदा उठाते हुए अपनी जादुई शक्तियों के बारे में बताती है, जिनका इस्तेमाल वो दूसरों को धोखा देने के लिए करती है। एरियल समझौते के तहत अपनी एक स्केल निकालती है और जादू करती है कि उसे एरिक से अगले 3 दिनों में किस करवानी होगी, नहीं तो वो फिर से मछली बन जाएगी और उर्सुला की हमेशा के लिए कैदी बन जाएगी। उर्सुला जोर से हंसती है और तभी एरियल की पूंछ गायब हो जाती है और उसकी जगह पैर उगाते हैं। एरियल जल्दी से सतह की ओर तैरती है और एक मछली पकड़ने वाली नाव उसे उठा लेती है, जो राज्य की ओर जा रही होती है। उसे नहलाया धुलाया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर उसे पहली बार एरिक से मिलवाया जाता है। दुर्भाग्यवश चूंकि एरियल बोल नहीं सकती, एरिक ये तय नहीं कर पाता कि ये वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। सेबेस्टियन जब उसे उसके कमरे में पाता है तो देखता है कि एरियल को ये भी याद नहीं है कि उसे समझौते के तहत एरिक को किस करना है। एरियल फिर अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकलती है और एरिक की लाइब्रेरी में जाती है।
एरिक उसके साथ जुड़ता है और उसे अपनी यात्राओं में पाई गई चीजें दिखाता है और दुनिया को और भी देखने की अपनी इच्छा जताता है। अगले दिन ग्रिम्सबी एरिक को शहर में चुपके से निकलने देता है और एरियल भी उसके पीछे पीछे जाती है। वे घोड़ा गाड़ी में दिन बिताते हैं। सेबेस्टियन, फ्लाउंडर और स्कटल फिर मिलकर किस करवाने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करते हैं। स्कटल एरिक की टोपी चुरा लेती है ताकि उन्हें एक नाव पर झील के ऊपर ले जाया जा सके। सभी जीव जंतु भी मिलकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। एरियल कुछ संकेतों के जरिए एरिक को अपना नाम बता देती है। जैसे ही वे किस करने वाले होते हैं, फ्लॉटसम और जेटसम उनकी नाव पलट देते हैं। उर्सुला समझ जाती है कि एरियल बताते गए टास्क में सफल होने के करीब आ गई थी, इसलिए वो खुद आगे आकर अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला करती है। वो एक औषधि का इस्तेमाल करती है और खुद को वनेसा नाम की सुंदर महिला के रूप में बदल लेती है ताकि एरिक को एरियल की आवाज का उपयोग करके सम्मोहित कर सके। अगली सुबह स्कटल उड़ते हुए एरिक के प्रपोजल की खबर एरियल को देती है। जब एरियल एरिक को खोजने जाती है तो वो उसे वनेसा के साथ देखती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। वो वहां से भाग जाती है। स्कटल वनेसा के कमरे से एरियल की आवाज सुनती है और आईने में उर्सुला का असली रूप देखती है। वो एरियल को सच बताने और चेतावनी देने के लिए उड़ जाती है। फ्लाउंडर ट्राइटन को बताने जाता है और बाकी लोग सगाई को रोकने की कोशिश करते हैं। स्कटल एरिक की सगाई की पार्टी में उड़ते हुए मेहमानों का ध्यान भटकाती है और मैक्स वनेसा पर हमला करने में उसकी मदद करता है। एरियल आती है और वनेसा से लॉकेट छीन लेती है, जिससे उसकी आवाज लौट आती है और वो एरिक से बात कर पाती है। लेकिन इससे पहले कि वे किस कर सकें, सूरज डूब जाता है और एरियल फिर से मछली बन जाती है। सेलेना ईर्ष्या से देखती है क्योंकि उसका मानना है कि समुद्री जीव बेहद खतरनाक होते हैं। वनेसा फिर से उर्सुला बन जाती है और एरियल को पकड़कर समुद्र में कूद जाती है। ट्राइटन उर्सुला को पाता है, लेकिन वो फ्लॉटसम और जेटसम का इस्तेमाल करके एरियल को जकड़ लेती है और उसका जीवन लगभग खत्म कर देती है। ट्राइटन उसे अपना त्रिशूल देने के लिए सहमत हो जाता है। उर्सुला ट्राइटन की शक्ति खींच लेती है और त्रिशूल से और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। एरिक एरियल को बचाने के लिए आता है और उर्सुला के हाथ पर हार्पून मारता है। फ्लॉटसम और जेटसम उसे पानी के नीचे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उर्सुला उसे मार सके, लेकिन एरियल उर्सुला को गलती से फ्लॉटसम और जेटसम को नष्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। उर्सुला तब विशाल रूप धारण कर लेती है और एरियल और एरिक पर हमला करना शुरू कर देती है। वो एक डूबे हुए जहाज को सतह पर लाती है और एरियल उस पर चढ़कर उसे नियंत्रित करने लगती है। जब उर्सुला एरिक को त्रिशूल से मारने की कोशिश करती है, एरियल जहाज को इस तरह से चलाती है कि उसका टूटा हुआ धनुष उर्सुला को मार देता है और उसे डुबाकर मौत के घाट उतार देता है। त्रिशूल गिरता है और ट्राइटन को सारी शक्ति वापस मिलती है। एरिक सतह पर लौटता है और एरियल को ढूंढना चाहता है, लेकिन आखिरकार हार मान लेता है। सेलेना उससे कहती है कि वो समुद्री जीवों के बारे में गलत थी और अपने बेटे की एरियल के प्यार को समझती है। बाद में ट्राइटन एरियल को महल की ओर टकटकी लगाए देखता है और समझ जाता है कि उसकी बेटी क्या चाहती है। हालांकि इसका मतलब है कि उसे अब एरियल को छोड़ना होगा। वो अपने त्रिशूल का उपयोग करके एरियल को फिर से इंसानी पैर देता है। एरियल एरिक के पास लौटती है और वे अपना पहला किस साझा करते हैं। एरियल और एरिक की शादी हो जाती है और वे दुनिया देखने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। फ्लाउंडर, सेबेस्टियन और स्कटल उन्हें विदा करने के लिए आते हैं। ट्राइटन और एरियल की बहनें, साथ ही सभी समुद्री जीव उन्हें विदाई देने के लिए आते हैं। अब इंसान और समुद्री जीव सभी मिलकर शांति से रहने लगे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।